हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीकैम लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी काम करती है ये विशेष रसायनों के निर्माण में और जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है उसको करने में लगी हुई है। इसका इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जहाँ से ये भारतीय बाजार के लिए और जो इंटरनेशनल मार्केट होगी उसके लिए अब ये प्रोडक्ट बनाती है और उनको एक्सपोर्ट भी करती है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें स्टायरीन, डिवाइनिल बेंजिन, एक्रेलिक एसिड और एक्रेलेट्स, एक्रेलेट से पॉलीमर और जो साइक पॉलीमर होता है उसको बनाने का काम ये करती है। इसको ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन रूट और जो इमल्शन पॉलीमराइजेशन रूट हो गया उसके माध्यम से बनाने का काम ये करती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो डोंबिवली महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है, कंपनी का नाम गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि सेरेमिक कैपेसिटर बनाने का काम करती है और उसको बेचने का काम भी ये करती है। इसमें इस कंपनी की 54% की हिस्सेदारी है। तो ये तो था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 32.40 करोड़ की है। इसका जो हाई है 52 वीक का 1025 और जो लो है 506 रुपया है। ये डिविडेंड भी देती है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 0.37% की है। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसकी जो सेल्स है 12 महीने की वो 47.61 करोड़ की है और इसकी जो अदर इनकम है वो 3.71 करोड़ की है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो ये देखिए 6.40 करोड़, 88 लाख, 1.29 करोड़, 3.63 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करने लग रही है। इसकी 12 महीने की सेल्स ग्रोथ 49% की है, 12 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ 305% की है, 1 ईयर की CAGR 3% की है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 1 ईयर की 2% है। अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर की होल्डिंग 52.09% की बनी हुई है और DII की होल्डिंग की बात करें तो 2.99% की है। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसकी वॉल्यूम की। अगर इसके एक महीने की एवरेज देखें तो इसमें 58 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि 53 शेयर की जो क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी है और 1 वीक की एवरेज देखें तो 46 शेयर की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है और 35 शेयर की क्वांटिटी उसमें डिलीवर क्वांटिटी है। तो इस शेयर को अगर आप मंडे को देखोगे तो ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर कर्जे की बात करें तो इसके ऊपर जो कर्जा है जो है बिल्कुल ही जीरो है। और अगर इसकी रिजर्व कैपिटल की बात करें तो जो इसकी रिजर्व कैपिटल है पहले 24.73 करोड़ होती थी, 25.12 करोड़, 27.50 करोड़, अब फाइनली 31.17 करोड़ की है। यानी कि इसकी जो रिजर्व कैपिटल लगातार बढ़ने लग रही है। अच्छा, बात करते हैं इसको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। देखिए अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 810 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं, इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 53% की है और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है, सेल्स भी बढ़ने लग रही है और जो इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लग रहा है। लेकिन इस स्टॉक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है, इसमें जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ही कम ट्रेड होती है। अगर आप इसको मंडे को देखोगे तो ये ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें वॉल्यूम की है। तो अगर आप इस स्टॉक में अगर बाइंग बनाना चाहते हैं तो आप एक लंबे टाइम के लिए बनाए और कम से कम 2 या 3 साल तक के लिए इसमें अपनी बाइंग को बनाए। इस स्टॉक में वॉल्यूम कम होती है इसलिए इसको इसी प्राइस के ऊपर बाई न करें। जैसे जैसे आपको ये डिप में मिले और 600 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तब आप इसमें अपनी बाइंग को बनाना स्टार्ट करें। जैसे जैसे डिप में जाता जाए आप इसमें अपनी बाइंग को बढ़ा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।